हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू डीआरएस के फार्मेसी। जैसा कि आप लोग को पता होगा, हम लोग सेमेस्टर वाइज एमसीक्यू की सीरीज में बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर से एचएपी फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम जीपैट, नाइपर, डिप्लोमा इन एग्जिट एग्जाम एंड अदर फार्मासिस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अभी तक हम लोग यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड से टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इस सीरीज में आज आगे डिस्कस कर रहे हैं यूनिट फोर से। इसमें बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू के बारे में। ओके, तो देखिए ये हमारा आज का कंटेंट है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यू एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यू। और जो थर्ड टॉपिक इसमें हमारा है ओरिजिन एंड फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड क्रैनियल नर्व से रिलेटेड एमसीक्यू। और इसमें लास्ट में जो हमारा बचेगा स्पेशल सेंसेस, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो पार्ट सेकंड में डिस्कस करेंगे। इसमें आईज, ईयर, नोज, टंग एंड उनके डिसऑर्डर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो आप लोग भी रेडी हो जाइए अपना अपना आंसर मैच कराने के लिए। ओके बेस्ट, आप लोग हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है। द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विथ स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम। तो इसे इसमें हम इसका अध्ययन के बारे में कह रहा है, आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन पढ़िए, पहला करा कार्डियोलॉजी, बी करा हिमेटोलॉजी, सी करा न्यूरोलॉजी, डी करा साइटोलॉजी। तो आप लोग एक एक ऑप्शन को कट करिए और राइट आंसर चूज करके निकालिए। कार्डियोलॉजी में हम इसका अध्ययन करते हैं, हार्ट का अध्ययन करते हैं, ये होगा नहीं। हिमेटोलॉजी में हम ब्लड का अध्ययन करते हैं, ये भी नहीं होगा। साइटोलॉजी में सेल का अध्ययन करते हैं, ये भी काट दीजिए। तो बचेगा न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी में ही हम इन सब का ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बात करते हैं। तो राइट आंसर मिल चुका हमारा, पहले का सी वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए न्यूरोलॉजी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है, पढ़िए, द होल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इन टू विच टू मेन रीजन। हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम होता है कितने मेन ग्रुप में, दो ग्रुप में बता दिया, दो ग्रुप कौन से जिसमें बांटा गया। ऑप्शन पढ़िए, पहला करा CNS एंड PNS, दूसरा बी ऑप्शन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सी है न्यूरॉन्स एंड ग्लायल सेल, डी है मोटर न्यूरॉन्स एंड सेंसरी न्यूरॉन्स। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से टिक करिए। अगर आप लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है दो मेन पार्ट में डिवाइड होता है, और दो मेन पार्ट कौन से होते हैं हमारे, CNS और PNS होते हैं। सेकंड का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। ओके नोट कर लीजिए, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ CNS, इनमें से कौन सा CNS का पार्ट नहीं है। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें से पूछा गया नॉट, आपको बताना नहीं कौन है। तो पहले देखेंगे CNS के पार्ट कौन कौन होते हैं, वो तो पता होने चाहिए, तभी तो आप नहीं वाला निकाल पाएंगे। ऑप्शन पढ़िए, पहला करा ब्रेन, बी स्पाइनल कार्ड, सी बोथ ए एंड बी, डी क्रैनियल नर्व। तो आप लोग अगर पढ़ेंगे तो याद आएगा जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट कौन कौन होते हैं। ब्रेन हमारा सेंट्रल नर्वस पार्ट होता है, स्पाइनल कार्ड भी पार्ट होता है, तो दोनों ऑप्शन हो नहीं सकते, सी वाला बोथ एन भी होगा नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रैनियल नर्व, ये हमारा CNS का पार्ट नहीं होता। ओके, ये हमारा किसका पार्ट होता है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम PNS का पार्ट होता है, इसलिए थर्ड का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग, स्पेलिंग से करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इनमें से कौन सा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है, नॉट पूछा, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए, पहला करा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, बी करा पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सी करा बोथ ए एंड बी, डी करा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो अगर आप लोग याद आएगा हमारे जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होते हैं इनमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी आता है और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों आते हैं, इसलिए दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, सी बोथ एंड ए भी नहीं होगा। बच्चा क्या हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है। ओके, इसका फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, CNS जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, PNS जिसे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये हमारा मेन सिस्टम होता है, इसके अंदर हमारा ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। PNS की बात करें, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एक आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक आता है पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इन दोनों का काम एक दूसरे के अपोजिट होता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट, इससे काफ़ी क्वेश्चन निकल जाएंगे आगे भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पढ़िए, ऑल द नर्वस टिश्यू आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, उसे
क्या कहते हैं, किस किस किसके बारे में बता रहा, जो हमारे ब्रेन के आउटसाइड स्पाइनल कॉर्ड के आउटसाइड जो नर्वस सिस्टम होता है, ये जो नर्वस टिश्यू होता है उसे क्या कहते हैं। आप लोग को ऑप्शन चूज करके राइट आंसर बताना है। पढ़िए ऑप्शन पढ़िए। पहला करा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, बी करा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सी करा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डी करा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो अगर आप लोग को याद होगा, जो हमारे आउटर साइड पेरीफेरी होते हैं उसे क्या बोलते हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। बिल्कुल सही जवाब, फिफ्थ का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। ओके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द बेसिक फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा है नॉट, यहाँ बार बार टिक आप करेक्ट वाला लगा देते हैं, लेकिन नॉट पे फोकस करना है। इनमें से पूछा नॉट, इनमें से कौन सा हमारा नर्वस सिस्टम का बेसिक फंक्शन नहीं है। चलिए ऑप्शन पढ़िए और राइट आंसर जल्दी से निकालिए। पहला करा डिटेक्ट सेंस स्टिमुलाई, बी करा सेंड सिग्नल रैपिडली बिटवीन बॉडी पार्ट, सी करा फॉर्मुलेट रिस्पॉन्स टू सेंसरी स्टिमुलेशन, डी करा प्रोड्यूस मेजर बॉडी फ्लूड्स सच एज प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल टिश्यू फ्लूड। तो अगर आप लोग याद आया होगा, जो हमारा बेसिक फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम था क्या होता है, पहला ऑप्शन क्या है डिटेक्ट सेंस स्टिमुलाई, ये होता है हमारा। और नेक्स्ट कह रहा सेंड सिग्नल रैपिडली बिटवीन द बॉडी पार्ट, ये भी हमारा नर्वस सिस्टम का वर्क होता है। नेक्स्ट कह रहा फार्मुलेट रिस्पॉन्सेज टू सेंसरी स्टिमुलेशन, ये भी वर्क होता है। तो अब बच्चा क्या डी वाला, प्रोड्यूस मेजर बॉडी फ्लूड्स सच एज प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल टिश्यू फ्लूड, ये हमारा काम नहीं करता नर्वस सिस्टम, तो इसलिए इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। यही रॉन्ग है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, टिक कर लीजिए छठे का डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, पढ़िए। कह रहा विच स्ट्रक्चर इज नोन एज वर्किंग यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इनमें से कुछ ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना कौन सा नर्वस सिस्टम का वर्किंग यूनिट नहीं है। तो ऑप्शन पढ़िए, पहला कह रहा नर्व्स, बी कह रहा न्यूरॉन्स, सी कह रहा सेल बॉडी, डी कह रहा न्यूरोग्लिया। तो आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से टिक करिए, जो हमारा इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से टिक करिए, हमारा जो इसमें न्यूरो ग्लिया होता है हमारा वर्किंग यूनिट नर्वस सिस्टम का नहीं होता। सेवेंथ का राइट आंसर क्या हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। ओके बाकी सारे जो होते हैं ये हमारे नर्व्स, न्यूरॉन्स और सेल बॉडी हमारे नर्वस सिस्टम के वर्किंग यूनिट में आते हैं। ओके इसका जो राइट आंसर कौन सा जाएगा डी वाला, सेवेंथ का डी टिक कर लीजिए। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन नंबर एट, पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स, इनमें से न्यूरॉन्स के पार्ट कौन कौन से हैं। तो न्यूरॉन्स अगर स्ट्रक्चर याद किए होंगे आप उसके पार्ट के बारे में याद करिए। आपने पढ़िए, पहला करा एक्जॉन, बी करा सेल बॉडी, सी करा डेंड्राइट, डी करा ऑल ऑफ दी एबव। तो आप लोग अगर एक न्यूरॉन्स का सिंपल स्ट्रक्चर देखे होंगे, उसमें एक्जॉन्स भी होता है, सेल बॉडी भी होती है और डेंड्राइट्स भी होते हैं। ये सारे प्रोसेस, ये सारे पार्ट उसमें पाए जाते हैं, इसलिए एट्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा डी वाला, ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए, ये हमारे न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है। इसमें देखिए जो बाहर स्ट्रक्चर दिख रहा है ये, इसे डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये देखिए ये सब स्ट्रक्चर क्या है, डेंड्राइट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और डेंड्राइट्स के जब इसके इसके अंदर आएंगे तो इसके मतलब हमारे मतलब सोमा मिलता है, सोमा जिसे साइटॉन या सेल बॉडी भी बोलते हैं। ये अंदर स्ट्रक्चर जो होता है और इसी सेल बॉडी यानी साइटॉन में हमारे पाए जाते हैं निसेल्स ग्रेनुल्स पाए जाते हैं, और इसके अंदर न्यूक्लियस भी पाया जाता है। आगे जब ये जुड़ते हैं यहाँ पर एक पार्ट एक्जॉन हाइलॉक्स कहलाता है, आगे हमारा इसी में सॉन सेल्स पाए जाते हैं, और ये जो लंबी सी स्ट्रक्चर है ये हमारा एक्जॉन्स कहलाती है, और उसके बाद इसी एक्जॉन्स में माइलिन सीथ भी पाए जाते हैं, और जहाँ पर माइलिन सीथ एबसेंट होती है उसे नोडाप्रेनवीर बोलते हैं, और लास्ट में एक्जॉन टर्मिनल्स होते हैं और साइनेप्टिक नोब पाए जाते हैं। ओके तो स्ट्रक्चर याद रखिए, इसमें क्वेश्चन इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बन जाएगा आगे, अभी डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नाइन्थ, सर व्हाट इज द रोल ऑफ डेंड्राइट्स इन केस ऑफ मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन के केस में डेंड्राइट्स का क्या रोल होता है, आप लोग को डेंड्राइट्स का रोल बताना, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो राइट आंसर टिक कर ले जाएंगे। पहला करा आपने पढ़िए, एक्ट एज ए सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन से वर्क करता है, फॉर्म साइनेप्स बनाता है, सी करा वर्क एज रिसेप्टर से वर्क करता है, डी करा इनमें से कोई ऑप्शन नहीं। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, इसका जो डेंड्राइट्स होता है दो, एक न्यूरॉन्स का जो एक्जॉन टर्मिनल होता है दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स से मिलके क्या बनाते हैं, जल्दी से याद करिए, साइनैप्स बनाते हैं। नाइन्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, याद करिए क्या बनाते हैं, साइनैप्स। ओके यहाँ स्ट्रक्चर देखिए हमारा एक एक्जॉन, ओके एक एक्जॉन्स जो उसका टर्मिनल पार्ट होता है, ये देखिए एक्जॉन का जो टर्मिनल पार्ट होता है ये वाला, और एक जो हमारा न्यूरॉन्स का जो डेंड्राइट पार्ट होता है उससे क्या बन रहा है, एक साइनेप्स का निर्माण हो रहा है, ये देख लीजिए। ओके इसी इसी के थ्रू हमारे नर्व इम्पल्स का कंडक्शन हो जाता है आसानी से। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर टेंथ, पढ़िए।
विच स्ट्रक्चर ऑफ माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कैरी आउट ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है जो ट्रांसमिशन करता है एक सिग्नल्स को एक जगह से दूसरे जगह, तो आप लोग को राइट आंसर बताना है। पहला करा स्वान सेल, बी करा नोडा ब्रेनवियर, सी करा एक्जोलिमा, डी करा एक्जोन हाइलैक्स। अगर आप लोग को याद होगा जो हमारा कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होता है और कैरी आउट ट्रांसमिशन में मदद करता है वो कौन सा होता है, 10th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी चेक करिए, बी वाला हो जाएगा नोडा रणवीर, 10th का बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, पढ़िए 11। करा व्हाट फॉर्म्स द ग्रे मैटर ऑफ द नर्वस सिस्टम, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसका ग्रे मैटर्स कौन बनाता है, तो आप लोग यह बताइए राइट आंसर जल्दी से टिक करिए। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, पहले ए करा एक्जॉन, बी करा सेल बॉडी, सी करा न्यूरोग्लिया, डी करा डेंड्राइट्स। इसमें से देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा इसमें से जो ग्रे मैटर बनाता है क्या कौन बनाता है, 11th का राइट आंसर हो जाएगा 11th का बी वाला, सेल बॉडी होती है जो ग्रे मैटर का फॉर्मेशन करती है नर्वस सिस्टम में, 11th का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, 12th पढ़िए। करा सेवरल स्मॉलर ब्रांचेस प्रोसेसेस अराइज फ्रॉम सेल बॉडी, करा सेल बॉडी से ढेर सारे छोटे छोटे ब्रांचिंग स्ट्रक्चर निकलती हैं उनको क्या कहते हैं, अभी पीछे स्ट्रक्चर देख के हैं जल्दी से टिक करिए, आई होप सब लोग कर ले जाएंगे। इसका जो ऑप्शन पढ़िए, पहला है एक्जॉन, बी है सेल बॉडी, सी न्यूरोग्लिया, डी है डेंड्राइट्स। इसका ऑप्शन मिल चुका होगा, जो हमारे सेल बॉडी से जो ब्रांचिंग निकलती है उसे क्या बोलते हैं, उसे डेंड्राइट्स बोलते हैं। ओके 12th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इसमें ये देखिए जो हमारा ये सेल बॉडी होता है, सेल बॉडी के बाहर जो आउटिंग स्ट्रक्चर होता है उसे डेंड्राइट्स बोलते हैं, बहुत सारे डेंड्राइट्स देखिए दिख रहे हैं आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 13 की बात करें कि ये सिग्नल कोई सॉरी ये सिंगल अनब्रांच लॉन्ग प्रोसेस, कोई इसकी किसी किसी की बात कर रहा है कि एक सिंगल होता है अनब्रांच लॉन्ग प्रोसेस होता है अराइज फ्रॉम द स्पेशल प्रोट्यूबरेंस ऑफ सेल बॉडी इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं। आप लोग ऑप्शन पढ़िए, पहला करा एक्जॉन, बी करा सेल बॉडी, सी करा एक्जॉन हाइलैक्स, डी करा डेंड्राइट्स। अगर आप लोग को याद आया होगा तो जो हमारे सेल बॉडी के बाद जो एक्जॉन्स की तरफ जाता है स्ट्रक्चर, उस जहाँ से पहली बार एक्जॉन्स में एंट्री करता है उसका नाम पूछ रहा है, उसका नाम अभी पीछे हमने एक बार आपको बताया था, तो जल्दी से बताइए उसका नाम क्या हो सकता है, उसका नाम होगा एक्जॉन हाइलॉक्स होगा। ओके 13 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये हमारा डेंड्राइट्स है और बीच में हमारा सेल बॉडी, इसे सोमा कहते हैं। तो पता होगा जब हमारा सेल बॉडी एक्जॉन की तरफ जाता है तो जो ये वाला स्ट्रक्चर होता है इसी को बोलते हैं एक्जॉन हाइलॉक्स। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे, यहाँ पर इसमें देख लीजिए इसी में माइलिन शीथ भी पाया जाता है और लास्ट में एक्जॉन टर्मिनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 14 की बात करें, सेल बॉडी कंटेन निसेल्स ग्रेनुल्स विच इज रिच इन, करा कोई सेल बॉडी है जिसमें निसेल्स ग्रेनुल्स पाया जाता है और जो रिच होता है किस में रिच होता है, उसके अंदर क्या क्या ऐसा पाया जाता है जो निसेल ग्रेनुल में पाया जाते हैं। ऑप्शन पढ़िए, पहला करा आयरन होता है, आर ई आर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सी करा राइबोसोम्स होता है, डी करा ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी होते हैं। आप लोग बताइए इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, पता है आप लोग डी ऑप्शन लगाएंगे क्योंकि ऑल ऑफ दीज हमेशा लगाते हैं, इसमें बिल्कुल सही राइट आंसर डी ही होगा, इसमें आयरन भी पाया जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाता है, राइबोसोम भी पाया जाता है, इसलिए 14 का राइट आंसर डी ही लगेगा। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, कह रहा व्हाइट फैटी सब्सटेंस की बात कर रहा है कि व्हाइट फैटी सब्सटेंस है दैट कोट्स एग्जॉन टू इंक्रीज सिग्नल स्पीड, जो एग्जॉन में कोटिंग की तरह वर्क करता है और इसकी सिग्नल की स्पीड को बढ़ा देता है, तो क्या होता है। ऑप्शन पढ़िए, माइलिन, बी माइक्रोफाइब्रिल, सी डेंड्राइट्स, डी एडिपोसाइट्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, हमारा जो व्हाइट फैटी सब्सटेंस होता है जो एग्जॉन के चारों तरफ कोट बनाता है हमारा क्या होता है, माइलिन होता है। 15 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके टिक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सॉरी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, हम इसमें माइलिन की बात करें, यही माइलिन होता है जो एग्जॉन के चारों तरफ लेयर बनाता है, कोट बनाता है और कंडक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। ओके देख लीजिए स्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, करा वेन इज द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल इज इलेक्ट्रिकल, कब जो ट्रांसमिशन होता है वो इलेक्ट्रिकल टाइप का होता है। सिग्नल पढ़े होंगे दो टाइप का होता है, केमिकल और इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल का क्या मतलब परिभाषा होता है आपको राइट आंसर टिक करना है। ऑप्शन पढ़िए, व्हेन सिग्नल ट्रेवल अराउंग द इलेक्ट्रॉन्स, बी करा सिग्नल फ्रॉम वन नर्व सेल टू अनदर, सी करा नेबर, डी करा ऑलवेज, इलेक्ट्रिकल होता है ऐसा करा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग को राइट आंसर टिक करना है। जो हमारे सिग्नल इलेक्ट्रिकल होते हैं उनकी खासियत क्या होती है,
जब सिग्नल हमारा ट्रेवल करे अलोंग दी एग्जाम के थ्रू ट्रेवल करे। ओके, तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 17 पढ़ते हैं, पढ़िए। दिस सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू दैट आर नॉट न्यूरॉन्स, जो हमारा सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू होता है जो हमारा न्यूरॉन्स नहीं होता है, बट दैट असिस्ट न्यूरॉन्स आर कॉल्ड, लेकिन जो न्यूरॉन्स को असिस्ट करता है, उसको हेल्प करता है, वो क्या कहलाता है। ऑप्शन पढ़िए, पहला करा ल्यूकोसाइट, बी करा सेल बॉडी, सी करा फाइब्रोब्लास्ट, डी करा न्यूरोग्लिया। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से टिक करिए। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा, न्यूरोग्लिया हो जाएगा। ओके टिक कर लीजिए, न्यूरोग्लिया 17 का राइट आंसर डी वाला, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, करा विच न्यूरॉन्स कैरी इम्पल्स, कौन सा न्यूरॉन है जो इम्पल्स को कैरी करता है फ्रॉम रिसेप्टर टू CNS, मतलब कोई रिसेप्टर होगा, इस रिसेप्टर से CNS तक ले जाना, वो कौन से न्यूरॉन्स की बात कर रहा है। ऑप्शन पढ़िए, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, या एफरेंट न्यूरॉन, कि बोथ बी एंड सी। अगर आप लोग को याद होगा तो इसका राइट आंसर टिक कर लेंगे। जैसे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा रिसेप्टर से CNS तक ले जाता है, तो रिसेप्टर से जो CNS तक ले जाता है उसे इसे क्या बोलते हैं, उसे मोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोटर बोलते हैं, नहीं मोटर नहीं बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सेंसरी बोलते हैं, और सेंसरी को ही हम क्या बोलते हैं, एफरेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफरेंट। अगर आप लोग याद होगा, सेम याद कर लिए क्या, सेम। यस फॉर हमारा होता है सेंसरी, सेंसरी ही हमारा एफरेंट होता है, और यम फॉर होता है मोटर, और मोटर हमारा क्या होता है, इफरेंट होता है। ओके सेम याद करिए। इसमें से हमारा पूछा है जो इम्पल्स को ले जाता है रिसेप्टर, तो रिसेप्टर से CNS तक, तो आपको पता होगा रिसेप्टर से, यानी जो हमारा यही हमारा सेंसरी होता है अफरेंट नर्व फाइबर, यही हमारा रिसेप्टर से CNS तक ले जाता है। तो जिसमें सेंसरी और अफरेंट होगा, दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट आंसर 18 का डी वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए, करा माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस बाय, जो माइलिन शीथ होता है किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, आप लोग राइट आंसर टिक करना। पढ़िए ऑप्शन, पहला करा एस्ट्रोसाइट्स के द्वारा एंड स्वान सेल के द्वारा, बी करा ओलिगोडेंड्रोसाइट के द्वारा एंड ऑस्टियोक्लास्ट के द्वारा, एंड सी करा ऑस्टियोक्लास्ट एंड एस्ट्रोसाइट्स के द्वारा, डी करा स्वान सेल एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के द्वारा। अगर याद होगा तो राइट आंसर जल्दी से टिक करिए, जो माइलिन शीथ होता है हमारा प्रोड्यूस होता है इसके द्वारा, राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से टिक करिए, इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, स्वान सेल एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के द्वारा। ओके नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं, करा द रिसेप्टर साइट्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट ऑन, करा जो न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर साइट कौन सा होता है जहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर पाए जाते हैं, उसके उसके बारे में बात कर रहा, किस किस रिसेप्टर पे न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं। चलिए बात करते हैं, ऑप्शन पढ़ लीजिए, ऑप्शन क्या क्या, पहला करा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, बी करा टिप्स ऑफ एग्जॉन, सी करा टाइप पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, डी कह रहा है मेम्ब्रेन ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल्स। तो आप लोग को पता होगा जो हमारा रिसेप्टर्स पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे तो नहीं पाया जाता है, एग्जॉन के टिप पे भी नहीं पाया जाता है, हमारे पाए जाते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं। फिर 20 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ दी एक्शन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम, इनमें से कौन सा ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम का एग्जाम्पल्स है, एक्शंस है। आप लोग को ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम पता होगा, ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम हमारे क्या करते हैं, आप याद किया होगा तो राइट आंसर टिक कर ले जाएंगे। ऑप्शन पढ़िए, पहला करा स्वेलिंग ऑफ फूड, फूड को निगलने में मदद करते हैं, बी करा पिपुलरी रिफ्लेक्स मदद करता है, सी करा नी जर्क रिस्पॉन्स मदद करता है, डी करा पेरिस्टेलियासिस ऑफ इंटेस्टाइन मदद करता है। तो आप लोग याद करिए जो हमारे जो ANS का एग्जाम्पल इसमें से कौन होगा वो टिक करना है। तो ऑप्शन पढ़िए, पहला स्वेलिंग ऑफ फूड, स्वेलिंग ऑफ फूड तो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है, ये भी ये हमारा नहीं हो जाएगा। पिपुलरी रिफ्लेक्स, ये भी हमारा रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जांपल, ये भी नहीं होगा। नी जर्क रिस्पॉन्स, ये भी हमारा रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जांपल, ये भी नहीं होगा। लेकिन जो पेरिस्टेलियासिस ऑफ इंटेस्टाइन होता है, इसे कौन कंट्रोल करता है, ये हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। 21 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए, करो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर, उसने पूछा कौन सा स्टेटमेंट सही है किसके लिए, नोड ऑफ रणवियर ऑफ नर्व के लिए। आप लोग ऑप्शन पढ़िए और राइट आंसर टिक करिए। चलिए ऑप्शन पढ़िए, 22 का पहला ऑप्शन है, कह रहा न्यूरोलीमा इज डिसकंटिन्यूअस, बी कह रहा माइलिन शीथ इज डिसकंटिन्यूअस, बी सॉरी सी कह रहा बोथ न्यूरोलीमा एंड माइलिन शीथ आर डिसकंटिन्यूअस, एंड डी कह रहा कवर्ड बाई माइलिन शीथ।
22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारे जो नोड ऑफ रणवीय जहाँ होते हैं वो क्या होते हैं उस रीजन पे माइलिन शीथ क्या हो जाती है और डिसकंटिन्यूअस हो जाती है। ओके 22 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 पढ़िए, कह रहा है कि जंक्शन बिटवीन द एग्जॉन्स ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट इज कॉल्ड, कह रहा एक एग्जॉन्स का जो उस जंक्शंस को क्या कहते हैं जो एग्जॉन्स ऑफ एक एक न्यूरॉन के एग्जॉन्स के बीच में देखने को मिलता है एंड डेंड्राइट्स के बीच में देखने को मिलता है, उस जंक्शंस का नाम आपको बताना है। तो अभी पीछे आप लोग स्ट्रक्चर भी देखे हैं, हमने बताया भी है कुछ जंक्शन का नाम, चलिए याद करिए, अगर याद आए तो टिक करिए जल्दी से। पहला करा कॉन्स्टेंट ब्रिज बनाएगा, बी करा जंक्शन पॉइंट कहलाएगा, एक करा जॉइंट कहलाएगा, ए साइनेप्स कहलाएगा। ओके तो 23 का राइट आंसर क्या होगा, वो हमारा क्या कहलाता है जहाँ पर एग्जॉन्स ऑफ न्यूरॉन्स एंड डेंड्राइट्स जो एक साथ मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। 23 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, ये हमारा यहाँ पर देखिए हमारे दो हमारा एक न्यूरॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो न्यूरॉन्स का जो ये डेंड्राइट्स होता है ये डेंड्राइट्स वाला पार्ट होता है और किसी न्यूरॉन्स का ये हमारा एग्जॉन से एग्जॉन टर्मिनल्स के पार्ट होते हैं, वही एग्जॉन्स के टर्मिनल्स और जो हमारे डेंड्राइट्स होते हैं इनके बीच में जो कनेक्शन बनता है उन्हीं को क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 की बात करें, कह रहा एन इनवॉल्वेंट्री रिस्पॉन्स, कोई इनवॉल्वेंट्री रिस्पॉन्स है बाय द नर्वस सिस्टम टू स्टिमुलेस, इनवॉल्वेंट्री रिस्पॉन्स मतलब जो अपनी आंसर नहीं कर पाते हैं। ओके तो उसे इनवॉल्वेंट्री रिस्पॉन्स कहते हैं। तो कह रहा हूँ एन इनवॉल्वेंट्री रिस्पॉन्स बाय नर्वस सिस्टम इज टू स्टिमुलेस, तो कौन सा इनवॉल्वेंट्री रिस्पॉन्स जो नर्वस सिस्टम के द्वारा करवाया जाता है, ऑप्शन पढ़िए। पहला करा रिफ्लेक्स, बी करा साइनेप्स, डी करा मोटर रिस्पॉन्स, डी करा स्मूथ मसल। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसे रिफ्लेक्स बोलते हैं, 24 का ए हो जाएगा राइट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 पढ़िए, करा मैच द फॉलोइंग्स, नीचे दिए गए ऑप्शन को आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो चलिए जल्दी से मैच कराते हैं। एस्ट्रोसाइट क्या होते हैं बताइए, एस्ट्रोसाइट क्या होते हैं, एस्ट्रोसाइट माइक्रोग्लिया, एपेंडाइमल सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट, ये सब आप पढ़े होंगे, राइट आंसर मैच कराइए। जो हमारे एस्ट्रोसाइट होते हैं वो क्या होते हैं, दीज आर स्टार शेप्ड सेल्स होते हैं, एस्ट्रो एस्ट्रो में स्टार छुपा है तो इसे याद करिए एस्ट्रो स्टार, इसमें हमारे स्टार शेप्ड होते हैं। एक का दूसरा देखिए कहाँ कहाँ मिला, ए वाले ऑप्शन मिला, बी वाले में नहीं मिला, काट दीजिए आपकी डी वाले में भी नहीं काट दीजिए, बच्चे हमारे ए और सी ऑप्शन। नेक्स्ट अब मिलाते हैं माइक्रोग्लिया, अगर आप लोग को माइक्रोग्लिया याद होगा जो हमारे माइक्रोग्लिया होते हैं वो क्या होती है, फॉर्म्ड फ्रॉम मोनोसाइट, ये हम जो माइक्रोग्लिया होते हैं कहाँ से बनते हैं, मोनोसाइट से बनते हैं, किससे, मोनोसाइट से। तो इससे बी का राइट आंसर, बी का कौन सा मैच हो जाएगा, फोर्थ वाला, बी का फोर्थ वाला मिला, बी का बाकी किसी में नहीं मिला, ए वाला मिल रहा है, तो इसलिए सी वाला भी काट दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए वाला हो जाएगा। लेकिन जो आगे भी मैच करा लीजिए, जो एपेंडाइमल सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे फॉर्म्ड द कोराइड प्लेक्सस ऑफ वेंट्रिकल्स। ओके और जो हमारा डी होगा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होता है, ये क्या कहलाएगा, ये कराएगा कवर्स दिस सेल बॉडी इन ग्रे मैटर। ओके इसके 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला, टिक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 पढ़िए, विच ऑफ दीज इज ए डिजीज ऑफ माइलिन शीथ, इनमें से कौन सी बीमारी माइलिन शीथ की वजह से होती है, माइलिन शीथ का बीमारी तो है। चलिए ऑप्शन पढ़िए, पहला करा पोलियो, बी करा लेप्रोसिस, सी करा मल्टीपल स्क्लेरोसिस, डी करा अल्जाइमर डिजीज। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो जो हमारा डिजीज ऑफ माइलिन शीथ होता है वो कौन सा होता है, टिक करिए राइट आंसर, वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है। 26 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 पढ़ते हैं, दिस अमंगस्ट द फॉलोइंग इज फाउंड इन मसल सेल्स एंड नर्व्स, तो इनमें से कौन जो ऑप्शन दिए गए, इनमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है कि इनमें से कौन सा फाउंड पाया जाता है मसल सेल्स एंड नर्व्स में। तो ऑप्शन पढ़िए, पहला करा मेम्ब्रेन पोटेंशियल, बी करा पोटेशियम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, सी करा रेस्टिंग पोटेंशियल, डी करा सोडियम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रेस्टिंग पोटेंशियल हो जाएगा। 27 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। ओके नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 पढ़िए, करा व्हेन न्यूरॉन इज इन रेस्टिंग स्टेट, जब कोई न्यूरॉन है रेस्टिंग स्टेट में है, मतलब रेस्टिंग स्टेट का मतलब बताया यहाँ पर नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, मतलब किसी भी प्रकार के इम्पल्स का कंडक्शन उस समय नहीं हो रहा, उस स्टेट को रेस्टिंग स्टेट बोलते हैं। तो दी एक्जोनल मेम्ब्रेन किस टाइप का होगा, आप लोगों को राइट आंसर टिक करना है। ऑप्शन पढ़िए, पहला करा कंपेरेटिवली मोर परमिएबल टू सोडियम आयन एंड नियरली इम्परमिएबल टू पोटेशियम आयन, बी कह रहा इक्वली परमिएबल टू बोथ सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन, सी कह रहा इम्परमिएबल टू बोथ सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन, नेक्स्ट कह रहा सी डी वाला
कंपेरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन एंड नियरली इमपरमिएबल टू सोडियम आयन। 28 का राइट आंसर क्या होगा, इसमें से अगर याद होगा जो हमारे जो पोटेशियम और सोडियम के लिए किसके लिए अफिनिटी ज्यादा होती है, पोटेशियम के लिए अफिनिटी ज्यादा होती है, इसलिए पोटेशियम के लिए ज्यादा परमिएबल होता है पोटेशियम, पी फॉर पुत्र याद रखिएगा। ओके, तो जो कंपेरेटिवली मोर परमिएबल होता है पोटेशियम के लिए और नियरली इमपरमिएबल होता है सोडियम, यानी यस फॉर सोडियम यस फॉर शत्रु, यानी शत्रुओं के लिए इमपरमिएबल होती है। ओके, 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िए। कह रहा ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, जब नर्व इम्पल्स का प्रोपेगेशन होता है, द एक्शन पोटेंशियल रिजल्ट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ, उसके उस दौरान जो एक्शन पोटेंशियल किस टाइप के मूवमेंट को कराता है आप लोग को बताना राइट आंसर। तो ऑप्शन पढ़िए, पहला कर पोटेशियम आयन फ्रॉम इंट्रा सेलुलर फ्लूड टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड जाने लगता है, करा सोडियम आयन फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड टू इंट्रा सेलुलर आयन लगता है, करा पोटेशियम आयन फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रा सेलुलर आयन लगता है, सोडियम आयन फ्रॉम इंट्रा सेलुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड आने लगता है। अगर याद होगा जब हमारे नर्व इम्पल्स का प्रोपेगेशन होता है तो जो सोडियम हमारे बाहर आउटसाइड होते हैं एक्जोनल मेम्ब्रेन में, बाहर से अंदर इंट्रा सेलुलर में आने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, सोडियम आयन फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड टू इंट्रा सेलुलर फ्लूड में आने की कोशिश करते हैं। 29 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पढ़िए। विच ऑफ दीज हैज हाइएस्ट परमिबिलिटी इन ए रेस्टिंग नर्व सेल, करा जब हमारा नर्व सेल रेस्टिंग होता है, रेस्ट में होता है, तो किसके लिए हाइएस्ट परमिबिलिटी होती है, तो आपने पढ़िए, पहला करा क्लोराइड के लिए, सोडियम आयन के लिए, पोटेशियम आयन के लिए, आयोडीन के लिए। तो मैंने अभी ट्रिक बताया था, जो हमारे दो ही मेन होते हैं सोडियम और पोटेशियम, इन्हीं की परमिबिलिटी देखी जाती है, तो सोडियम का सबसे शत्रु बताया था और पोटेशियम का पी से पुत्र बताया था, तो जो हमारा शत्रु होगा इसके लिए तो प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन पोटेशियम के लिए हाईएस्ट होगी पुत्र के लिए। ओके, 30 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 बात करते हैं। स्पाइनल नर्व्स कम अंडर विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, जो हमारा स्पाइनल नर्व्स होता है कम्स अंडर विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम के किस पार्ट में पढ़ा जाता है, तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, राइट आंसर टिक करिए। पहला करा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा जाता है, बी करा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ा जाता है, और सी कह रहा है सोमैटिक नर्वस सिस्टम में पढ़ा जाता है, और हमारा डी कह रहा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पढ़ा जाता है। अगर आप लोग याद होगा जो स्पाइनल नर्व, क्रैनियल नर्व, ये सब कौन किसके पार्ट होते हैं, हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं। 31 का राइट आंसर बी हो जाएगा, टिक कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िए। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ, पूछा है हाउ मैनी पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने पेयर्स स्पाइनल नर्व्स पाए जाते हैं, तो राइट आंसर टिक करिए। ऑप्शन पढ़िए, पहला करा 31 पेयर, बी करा 12 पेयर, सी करा 15 पेयर, डी करा 30 पेयर। तो हमारा जो स्पाइनल नर्व होता है ह्यूमन बॉडी में कितने पाए जाते हैं, जल्दी से बताइए कितने पाए जाते हैं, 31 पेयर होते हैं। 32 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में बात कर रहे हैं जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है इसके पार्ट्स कौन कौन थे, एक सर्वाइकल पार्ट होता है, थोरेसिस पार्ट होता है, लंबर होता है, सैक्रल होता है, कॉक्सियल होता है। सर्वाइकल से सर्वाइकल नर्व निकलती है, थोरेसिस से थोरेसिस नर्व निकलती है, लंबर से लंबर नर्व निकलती है, सैक्रल से सैक्रल नर्व और कॉक्सियल से कॉक्सियल नर्व निकलती है। तो इसके लिए हम जो सर्वाइकल होता है वर्टिब्रल पोजीशन C1 से C7 कहलाता है, थोरेसिस हमारा T12 तो T1 से T12 तक होता है, लंबर L1 से L5 तक होता है, सैक्रम हमारा S1 से S5 तक होता है, कॉडल हमारा C1 से C4 तक होता है। टोटल कितने वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, 33 होते हैं। ओके, तो अगर नंबर ऑफ क्रैनियल नर्व, सॉरी नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व की बात करें तो सर्वाइकल से C7 होता है, सर्वाइकल नर्व सॉरी सर्वाइकल जो पोजीशन होता है C1 से C7 होता है, लेकिन इसके अंदर जो नर्व्स होते हैं वो 8 पेयर होती हैं, और ऐसे जो T1 से T12 तक होते हैं इसमें 12 पेयर नर्व्स पाए जाती हैं। कौन से नर्व, स्पाइनल नर्व। लंबर L1 से L5 के बीच में 5 पेयर नर्व पाए जाते हैं, S1 से S5 के बीच में 5 पेयर नर्व पाए जाते हैं, C4 वाले में C1 से C4 में 1 पेयर पाई जाती है, और इस तरीके से टोटल कितने हो जाएंगे, 31 पेयर हो जाएंगे। अब याद करने का तरीका क्या है, अब्बू पापा एक ही बात, अब्बू अब्बू से आस, अब्बू के आस हो जाएगा 8, यानी 8 पेयर कहाँ होगा, सर्वाइकल। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, CTLSC याद रखिएगा, सर्वाइकल थ्रू से लंबर सेक्रल कॉडल। ओके, तो अब्बू पापा एक ही बात, आस अब्बू से अब्बू के आस से 8 पेयर हो जाएगा सर्वाइकल में, अब्बू के बा से 12, तो जो थोरेसिस में जाएगा 12 पेयर हो जाएगा, और पापा एक पी से 5 हो जाएगा और एक दूसरे पी से 5 हो जाएगा, 5 तो लंबर और सक्रल में 5-5 हो जाएगा, और एक ही बात एक मतलब किस में आ जाएगा, हमारा कॉडल में। इस तरीके से अबू पापा एक ही बात, अबू से 8 8 12 12 5 5 1, ये सीक्वेंस है इस किसका, स्पाइनल नर्व का, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पढ़िए।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रांच ऑफ लंबर प्लेक्सस, इनमें से कौन सा लंबर प्लेक्सस ब्रांच का एग्जाम्पल है, आप लोगों को ऑप्शन पढ़कर राइट आंसर टिक करना। तो पहला ऑप्शन पढ़िए फीमोरल नर्व, बी करा इलियो इंग्वाइलन नर्व, सी करा ऑब्टुरेटर नर्व, डी करा ऑल ऑफ दीज। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा, हमारे लंबर प्लेक्सस में हमारा फीमोरल नर्व भी होता है, इलियो इंग्वाइलन नर्व भी होता है, ऑब्टुरेटर नर्व भी होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा 33 का डी वाला हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। टिक कर लीजिए। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, हमारे लंबर प्लेक्सेस हैं जो L1 में हमारा, ये देखिए इसमें L1 में इलियो इंग्वाइलन नर्व होती है, L2 में हमारा जेनिटो फीमोरल होती है, L3 में लेटरल फीमोरल क्यूटेनियस होता है, और L4 में फीमोरल होता है और ऑब्टुरेटर भी होता है, और हमारे L5 में लंबो सेक्रल, ये सब हमारे लंबर प्लेक्सस हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 पढ़ते हैं, हाउ मनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व आर प्रेजेंट इन दी बॉडी। अब पूछा पिछले क्वेश्चन में क्या था, स्पाइनल नर्व था, अब पूछ लिया क्रेनियल नर्व, तो क्रेनियल नर्व ह्यूमन बॉडी में कितना होता है, तो बताइए ऑप्शन पढ़ के, पहला 31 पेयर, बी करा 12 पेयर, सी करा 15 पेयर, डी करा 30 पेयर। तो 31 तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि हमारा स्पाइनल नर्व का स्पाइनल नर्व 31 पेयर होता है, 15 पेयर तो हो नहीं सकता, 30 पेयर होगा नहीं, बचा के ऑप्शन 12 पेयर। तो हमारा जो क्रेनियल नर्व होता है कितना होता है, 12 पेयर होते हैं। ओके 34 का राइट आंसर बी होगा, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 35 पढ़िए, इन द 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, जो 12 पेयर क्रेनियल नर्व पाए जाते हैं, विच नर्व विच पेयर आर मिक्स टाइप, इनमें से कौन सा पेयर है जो मिक्स टाइप होता है। तो जो 12 जो 12 पेयर क्रेनियल नर्व होते हैं उसमें से कुछ ऐसे हैं जो मिक्स टाइप होते हैं, कुछ ऐसे जो सिर्फ मोटर होते हैं, कुछ ऐसे जो केवल सेंसरी होते हैं। आप लोग को राइट आंसर बता, सॉरी, जो कुछ सेंसरी होता है, कुछ मिक्सड होते हैं, कुछ मोटर होते हैं। ओके हाँ सही। नेक्स्ट इन्हें तो बताना कौन सा मिक्स टाइप है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, पहला करा 5वां, 7वां, 9वां, 10वां, बी करा फर्स्ट, सेकंड और 8 वाला, सी करा थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, 11, 12, डी करा नॉन ऑफ दिस। तो मिक्स टाइप का याद करने का आप लोग ठीक याद कर लिए, पसंद याद रखिएगा, पसंद पसंद में पी से 5 हो जाएगा, 7 से 7 हो जाएगा, पसंद में ना आ रहा, 9 से 9 हो जाएगा, डी से 10 हो जाएगा। पसंद में यानी 5वां 7वां 9वां 10वां हमारे मिक्स होते हैं। ओके तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा पसंद, 5, 7, 9, 10। ओके 5, 7, 9, 10 याद करिए पसंद। तो 35 का ए हमारे ए वाला जो 5वां 7वां 9वां 10वां मिक्स टाइप होते हैं। यहाँ पर देख लीजिए एक्सप्लेनेशन, क्रेनियल नर्व टोटल 12 पेयर होती है, जो जो 1 to 8 होती है प्योर सेंसरी नर्व कहलाती है। कितनी, 1 to 8 प्योर सेंसरी होती है। जो मिक्स नर्व होती है हमारी पसंद होती है, पसंद के पी से 5 हो जाएगा, 7 से 7 हो जाएगा, और जो इसमें 9 से 9 हो जाएगा, डी से 10 से 10 हो जाएगा, और प्योर जो मोटर नर्व होती है वो 346/3, 346/11/12 ऐसे याद रखिए, जैसे किसी गाड़ी के नंबर प्लेट होता हो ऐसे याद कर लीजिए, 346/11/12। ओके हमारे मोटर नर्व होती है क्योंकि मोटर मोटर में नंबर प्लेट ऐसे लगा होता है। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 36 पढ़िए, मैच दी कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच कराना, लेकिन किसके लिए, क्रेनियल नर्व के लिए, क्रेनियल नर्व के लिए। आप लोग बताना कौन सी क्रेनियल नर्व किस नंबर को रिप्रेजेंट करती है। ऑप्शन पढ़िए, राइट आंसर टिक करिए। ऑप्शन क्या क्या है इसमें, क्या ऑल्फैक्टरी दिया, ट्रोक्लियर दिया, फेसियल दिया, ऑडिटरी दिया, वेगस। तो आप लोग अगर 12 क्रेनियल नर्व की पोजिशन याद होंगे सिक्वेंस, एक सिक्वेंस के अकॉर्डिंग, तो आप लोग पक्का मैच करा ले जाएंगे। चलिए मैच कराते हैं। जो हमारा ऑल्फैक्टरी होता है, ऑल्फैक्टरी हमारा पहले पहला ही नर्व होता है जो हमारा ऑल्फैक्टरी होता है, इसलिए ए का दूसरा हो जाएगा, ए का दूसरा इसमें मिल गया और सी वाले मिल गया, बाकी ऑप्शन काट दीजिए, बी और डी काट दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, जो ट्रोक्लियर होता है, ट्रोक्लियर हमारा वो कौन सा होता है, ट्रोक्लियर हमारा फोर्थ क्रेनियल नर्व का नर्व होता है, इसलिए बी वाले का राइट आंसर पहला हो जाएगा। ए वाले में पहला मिल रहा, बाकी में किसी में नहीं मिला, सी भी कट गया, बाकी ए तो मिल चुका, लेकिन और भी मैच करा दीजिए। जो फेसियल होता है, फेसियल हमारा कौन सा होता है, फेसियल हमारा ये 7वां वाला होता है, ऑडिटरी हमारा 8वां, और से ऑडिटरी और से 8वां। ओके वेगस हमारा 10 हो जाता है। इस तरीके से राइट आंसर 36 का ए वाला हो जाएगा, मैच करा लीजिए। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, ओवरऑल हमारे टोटल क्रेनियल नर्व को दिखाया गया पोजीशन अकॉर्डिंग और उनके सेंसरी और मेजर फंक्शन और लोकेशन। तो हमारा जो पहला होता है वो ऑल्फैक्टरी नर्व होता है, दूसरा ऑप्टिक नर्व होता है, तीसरा ऑक्लोमीटर होता है। इसको इसको याद करिएगा, ये तीनों को एक साथ याद रखिएगा, इसे ओ क्यू याद रखिएगा। क्या याद करेंगे, ओ का क्यूब, ओ क्यू ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक ऑक्लोमीटर। ओके उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रोक्लियर और ट्राई जेमाइनल, ओ क्यू इसे याद रखिएगा, टी स्क्वायर याद रखेंगे, ओ क्यू टी स्क्वायर याद रखिए, ओ क्यू टी स्क्वायर, ओ क्यू से ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक ऑक्लोमीटर, टी स्क्वायर से ट्रोक्लियर ट्राई जेमाइनल। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा, छठवा कौन सा, एब्डिसेंस, सातवां है फेसियल, और जो हमारा 8वां है वेस्टिबुलो कॉक्लियर, या जिसे ऑडिटरी भी बोलते हैं। तो इसमें याद रखिएगा,
ए फॉर ऑडिटरी हो जाएगा, और नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा नवा होता है वो ग्लासोफेरिंगल होता है। ओके, तो इस तरीके से इसको कैसे याद रखेंगे, अफाज याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे, अफाज सीक्वेंस में अफाज, ए फॉर एब्डुसेंस, एफ फॉर फेसियल हो जाएगा, और ए से ऑडिटरी हो जाएगा, और जी से ग्लासो फेरिंगल हो जाएगा। ओके, अभी तक क्या हुआ ट्रिक, ओ क्यू टी स्क्वायर अफाज। उसके बाद जो हमारा दसवां है वो वी होता है, और जो नवा होता है वो स्पाइनल एसेसरी होता है, और यच जो दसवां होता है हमारा, सॉरी जो बारहवां होता है हमारा हाइपोग्लासल नर्व होता है। इसको याद रखिएगा वी एस एच से, याद रखिएगा वी एस एच। ओके, ये सिंपल सा बहुत 3-4 बार याद करेंगे हो जाएगा। तो क्या क्या हो जाएगा, ओ क्यू टी स्क्वायर अफाज वी एस एच, ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक ऑक्युलोमीटर ट्रोक्लियर ट्राइजमनल ऑब्डिशन फेसियल ऑडिटरी ग्लासोफेरिंगल वेगस स्पाइनल एसेसरी हाइपोग्लासल। ओके, बाकी हमने सेंसरी वाला याद करा दिया। जो हमारे 1 to 8 होती है वो प्योर सेंसरी होती है। देखिए 1 to 8 ये पहला वाला, दूसरा वाला, और जो आठवां वाला है हमारे क्या होते हैं, सेंसरी होते हैं। बाकी जो पसंद बताया था पांचवा सातवां नौवां दसवां मिक्स्ड होती है। देखिए हमारा जो पांचवा होता है ये सेंसरी एंड मोटर दोनों होता है, मिक्स मतलब सेंसरी मोटर दोनों हो जाता है। पांचवा सातवां और देखिए नौवां और दसवां है। उसके बाद हमने गाड़ी का नंबर प्लेट बताया था, क्या था, 346/11/12, 300 यानी तीसरा वाला मोटर होता है, चौथा वाला भी मोटर होता है, छठवां वाला भी मोटर होता है, 11/12 भी मोटर होता है। इस तरीके से आप याद कर लीजिए। फंक्शन की बात करें, जिस जो ऑल्फैक्ट्री होता है स्मेल एंड सेंस के लिए होता है, जो ऑप्टिक होता है विजन के लिए होता है, जो ऑक्लोमीटर होता है आई मूवमेंट के लिए होता है, पीपली कंस्ट्रिक्शन के लिए होता है, अकोमोडेशन के लिए होता है, मसल्स ऑफ अपर आईलिड के लिए होता है, आई के मसल, आई के मूवमेंट के लिए होता है, ऑक्लोमीटर आई मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट बात कर ट्रोक्लियर की, ट्राइक्लियर जो होता है ये भी आई मूवमेंट के लिए होता है, लेकिन कैसे, इंटॉर्जन एंड डाउनवर्ड गेज के लिए। नेक्स्ट हमारा ट्राइजमाइनल नर्व जो होता है ये हमारा होता है सोमेटिक सेंसेशन फ्रॉम फेस माउथ कॉर्निया मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन। ओके, नेक्स्ट जो एब्डक्शंस होता है हमारा आई मूवमेंट के लिए होता है, अभी कौन से मूवमेंट, एब्डक्शन आर एट लेटरल मूवमेंट के लिए। जो फेसियल होता है कंट्रोल करता है मसल्स ऑफ फेसियल एक्सप्रेशन को, टेस्ट फ्रॉम इंटीरियर टंग एंड लक्रामल एंड सेलिवरी ग्लैंड के लिए होता है। जो वेस्टिबुलो कॉक्लियर होता है हमारा हियरिंग के लिए होता है, ग्लासोफेरिंगियल जो होता है हमारा सेंसेशन फ्रॉम पोस्टीरियर टंग एंड फेरिंग टेस्ट फ्रॉम पोस्टीरियर टंग कैरोटिड बैरो रिसेप्टर एंड कीमो रिसेप्टर सेलुरी ग्लैंड के लिए होता है। जो वेगस नर्व होता है हमारा ऑटोनॉमिक फंक्शन ऑफ गट कार्डियक इनहिबिशन को, मतलब जो वेगस होता है हमारा कार्डियक फंक्शन के लिए होता है, उसके सेंसेशन के लिए होता है, फ्रॉम लैरिंग्स एंड फेरिंग्स मसल्स ऑफ वोकल कार्ड स्वेलिंग के लिए। नेक्स्ट जो हमारा स्पाइनल एसेसरी होता है हमारा शोल्डर एंड नेक मसल्स के लिए होता है, जिनका फंक्शन जो होता है, और हाइपोग्लासल हमारा मूवमेंट ऑफ टंग के लिए होता है। बाकी इनके लोकेशन भी देख लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37 की बात करें, करा थ्रू विच स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है, द स्पाइनल नर्व लीव द स्पाइनल कार्ड, जहाँ से स्पाइनल नर्व स्पाइनल कार्ड से निकलती है, निकल के नेक्स्ट पार्ट में जाती है। आप लोग ऑप्शन पढ़िए, राइट आंसर टिक करिए। चलिए पढ़िए, पहला करा इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, बी करा इंटरवर्टिब्रल लिगामेंट, उसके बाद सी करा ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कार्ड, डी करा स्पाइन व्हाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कार्ड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा पार्ट होता है जहाँ पे स्पाइनल कार्ड स्पाइनल नर्व स्पाइनल कार्ड से निकलती है, उसे बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामेन बोलते हैं। 37 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व्स कैन रेगुलेट हार्ट बीट, इनमें से कौन सा क्रेनियल नर्व है जो हार्ट बीट को रेगुलेट करता है। अभी पीछे चार्ट में पूरा वही तो पढ़ के आए, तो आप लोग बताइए इनमें से। पहले तो आपको पता होने पोजीशन क्या होने बताया था, ओ क्यू टी स्क्वायर अफाज वी एस एच, याद है। ओके चलो, इसमें तो जो टेंथ होता है कौन सा होता है हमारा वी एस एच, यानी वेगस को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा, वेगस नर्व। और उसके बाद जो हमारा नवा होता है हमारा ग्लासोफेरिंगियल, याद होगा। इसका जो हमारा आठवां, आठवां से आठ ऑडिटरी को रिप्रेजेंट करता है, सातवां हमारा फेसियल को रिप्रेजेंट करता है। तो जो इसमें से जो हमारा वेगस नर्व होता है दसवां, यही हमारा हार्ट को कंट्रोल करता है। ऑप्शन पहले ही मिल चुका है, 38 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। बाकी जो हमारा नवा होता है ग्लासोफेरिंगियल, हमारे सेंसेशन सेंसेशन के लिए होता है, सेंसेशन फ्रॉम पोस्टीरियर टंग एंड फेरिंग्स के लिए होता है, जो ऑडिटरी होता है हियरिंग के लिए होता है, जो फेसियल होता है हमारा इसके लिए होता है, हमारे फॉर्म मसल्स ऑफ फेसियल एक्सप्रेशन के लिए होता है। इसलिए 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है हार्ट की बीट को कौन रेगुलेट करता है, इसलिए 38 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 करो, विच क्रेनियल नर्व हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस, वो कौन सा क्रेनियल नर्व है जिसमें ब्रांचेस ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो 39 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, चलिए आपने पढ़िए। पहला करा वेगस नर्व, बी करा फेसियल नर्व, सी करा ट्राइजमाइनल नर्व, डी करा नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विच क्रेनियल नर्व है जो हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस, तो जिसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ट्राइजमाइनल नर्व, 39 का सी, टिक कर लीजिए। ट्राइजमाइनल नर्व जो होते हैं उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस पाए जाते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पढ़िए, इवान पावलोव,
पागल नहीं, इवान पेवलाव एक साइंटिस्ट है, परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? ऑप्शन पढ़िए, पहला करा सिंपल रिफ्लेक्सेस पे, बी करा कंडीशन रिफ्लेक्सेस पे, सी करा कार्डियक रिफ्लेक्सेस में, डी करा ओरिजिन ऑफ लाइफ पे। अगर आप लोग याद होगा जो इवान पेवलाव थे, इन्होंने परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट किस पे, इसमें इसमें किया था, कंडीशन रिफ्लेक्स पे किया था। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। 41 के बारे में पढ़ते हैं। करा इन रिफ्लेक्स एक्शन, करा रिफ्लेक्स एक्शन में रिफ्लेक्स आर्क की फॉर्म, जो एक जो रिफ्लेक्स आर्क बनता है कैसे बनता है, उसकी कैसे कैसे एक एक्शन कहाँ से कहाँ जाता है, आप लोग को राइट एक्शन बताना है। तो ऑप्शन पढ़िए, पहला करा है ब्रेन टू मसल फिर स्पाइनल कॉर्ड, बी करा रिसेप्टर स्पाइनल कॉर्ड फिर मसल, सी करा मसल टू ब्रेन फिर स्पाइनल कॉर्ड, डी करा मसल टू रिसेप्टर फिर स्पाइनल कॉर्ड। तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसमें तो जो रिफ्लेक्स आर्क होता है पहले रिसेप्टर के पास, रिसेप्टर क्या मैसेज लेके जाएगा, रिसेप्टर मैसेज लेके जाएगा स्पाइनल कार्ड के पास, वही सेम वाले प्रोसेस है, सेंसरी अफरेंट फाइबर के थ्रू स्पाइनल कार्ड के पास जाएगा, फिर वहां से जो मोटर जो होगा इफेक्टर की मदद से मसल्स के पास लेके जाएगा, जो भी एक्शन होगा वो करवाएगा। ओके 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए 41 का राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 42। 42 पढ़िए, करा हाउ डज द टू डिवीजन ऑफ एनएस वर्क, जो एनएस होता है ना कैसे दो 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 डिवीजन में वर्क करता है। तो पहले पहला करा वर्क विथ सिमिलर इफेक्ट, बी करा वर्क विथ अपोजिट इफेक्ट, सी करा डू नॉट वर्क टुगेदर, एक साथ काम ही नहीं करता है एनएस। एनएस के दो पार्ट ना कौन कौन से है, पैरा सिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक। ओके दोनों एक दूसरे का अपोजिट वर्क, लो ऑप्शन मिल गया, वर्क है जो अपोजिट इफेक्ट। 42 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। ओके नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 43 की बात करते हैं, करो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक डिवीजन, इनमें से कौन सा सिंपैथेटिक डिवीजन का पार्ट है। तो आप लोग बताइए सिंपैथेटिक डिवीजन का पार्ट कौन कौन सा है। पहला ऑप्शन करा सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन, बी करा ट्रंक गैंग्लिया, सी करा सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन, डी करा ऑल ऑफ द एबव। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 43 का क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 44 की बात करें, करा व्हाट इफेक्ट अकर ऑन दी ट्रेकिया, और ट्रेकिया पे क्या इफेक्ट होता है एंड ब्रोंकाई पे क्या इफेक्ट होता है ड्यूरिंग दी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के दौरान। अब बताइए सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में ब्रोंकिया और ट्रेकिया क्या करते हैं। ऑप्शन पढ़िए, राइट आंसर टिक करिए आप लोग। पहला करा ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई डायलेट हो जाते हैं, बी करा रिमेन कॉन्स्टेंट कोई फर्क नहीं पड़ता है, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, सी करा डी करा नो इफेक्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब हमारा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है तो ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई क्या हो जाते हैं, हमारे डायलेट हो जाते हैं। 44 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 45 पढ़िए, करो व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पैरासिंपैथेटिक डिवीजन, पैरासिंपैथेटिक डिवीजन को और किस नाम से जानते हैं। तो आप लोग बताइए, ऑप्शन पढ़िए, राइट आंसर टिक करिए। पहला करा थोरैको लंबर आउटफ्लो के नाम से, बी करा थोरैको सैक्रल के नाम और नाम से, सॉरी थोरैको सैक्रल आउटफ्लो के नाम से, सी करा क्रैनियो सैक्रल आउटफ्लो के नाम से, डी करा क्रैनियो लंबर आउटफ्लो के नाम से। अगर आप लोग को याद होगा राइट आंसर टिक करिए, पहला तो ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि थोरैको जो लंबर आउटफ्लो होता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। तो हमारा पूछा गया पैरासिंपैथेटिक, पैरासिंपैथेटिक जो है और मैं थोड़े को सैक्रल आउटफ्लो के नाम से जाना जाता है। 45 का राइट आंसर बी हो जाएगा, टिक कर लीजिए। ओके नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 46 पढ़ते हैं, कह रहा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्लूड, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इनमें से क्या बातें सही है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए पढ़ते हैं। 46 का पढ़िए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन पढ़िए, पहला कह रहा सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करना, बी कह रहा हार्ट बीट को बढ़ा देना, सी कह रहा है सिक्रेशन ऑफ सलाइवा के लिए, डी कह रहा इसमें से सभी। तो क्या क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है पहले तो इसमें देखते हैं सिक्रेशन डाइजेस्टिव जूस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है और सिक्रेशन ऑफ सलाइवा भी नहीं करता है, ऑल ऑफ दिस का चांस तो खत्म नहीं हो सकता। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, हार्ट बीट। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है किसको इंड्यूस करता है, हार्ट बीट को बढ़ा देता है, इसी का अपोजिट जो पैरासिंपैथेटिक होता है वो हार्ट बीट को स्लो कर देता है। 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। चलिए नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन 47। 47 पढ़िए, करा वन फंक्शन ऑफ पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इनमें से कौन सा पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन है। ऑप्शन पढ़िए, पहला करा कंट्रैक्शन ऑफ हेयर मसल्स को कंट्रैक्ट करना, बी करा स्टिमुलेशन ऑफ स्वीट ग्लैंड, सी करा एक्सीलरेशन ऑफ हार्ट बीट, डी करा कंस्ट्रिक्शन ऑफ पीपल। तो जो पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है, तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, पहला करा कंट्रैक्शन ऑफ हेयर मसल्स, नहीं ये तो हमारा पैरासिंपैथेटिक काम नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है बी वाला स्टिमुलेशन ऑफ स्वीट ग्लैंड, ये भी नहीं है, ये सिंपैथेटिक का काम है, हार्ट बीट को एक्सेलरेट का ये भी सिंपैथेटिक काम है। तो ऊपर के तीनों ऑप्शन हो नहीं सकता, राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीपल को कंस्ट्रिक्ट करता है कौन, पैरासिंपैथेटिक, और सिंपैथेटिक इसी का अपोजिट करता है, पीपल को डायलेट करता है, इसलिए राइट आंसर 47 का डी वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए।
नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए हमारा, इफेक्ट ऑन सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, इफेक्ट ऑन पैरासिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, क्या क्या इफेक्ट होता है। देखिए आयरिस पे जो इफेक्ट देखने को मिलता है, आयरिस को क्या करता है, सिंपैथेटिक वाला उसको पीपल को डायलेट कर देता है, और जो हमारा सिंपैथेटिक होता है पीपल को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। ओके, जो हार्ट होता है हार्ट रेट को बढ़ा देता है, फोर्स ऑफ कंट्रेक्शन बढ़ा देता है। जो पैरासिंपैथेटिक होता है हार्ट रेट को, फोर्स ऑफ कंट्रेक्शन को डिक्रीज कर देता है। लीवर में क्या होता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने लगता है, क्योंकि हमें एनर्जी की डिमांड होती है इमरजेंसी सिचुएशन में। ओके, नेक्स्ट करा पैरासिंपैथेटिक क्या होता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्जन घट जाता है, यानी जो सिंपैथेटिक केस में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बनाने लगेगा ज्यादा मात्रा में, और पैरासिंपैथेटिक में घटाने लगेगा, बनने नहीं देगा। ओके, ब्लड वेसल क्या होता है, स्केलेटल मसल, स्केलेटल ब्लड वेसल डायलेट हो जाएंगी, किसके केस में, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन केस में। पैरासिंपैथेटिक स्टिमुलेशन केस में स्केलेटल ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट ही रहेंगे। नेक्स्ट करा किडनी में क्या फर्क पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन क्या होगा, यूरिन सिक्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, इमरजेंसी सिचुएशन में हमारा जो यूरिन सिक्रेशन है डिक्रीज हो जाता है। ओके, जो पैरासिंपैथेटिक स्टिमुलेशन एकदम आराम की कंडीशन में यूरिन का सिक्रेशन मतलब एकदम बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट करा सेक्स ऑर्गन पे क्या फर्क पड़ता है, मेल एंड फीमेल में इंक्रीज ग्लैंडुलर सिक्रेशन बढ़ जाता है, लेकिन किसके केस में, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के केस में। लेकिन पैरासिंपैथेटिक स्टिमुलेशन केस में मेल में क्या होता है, इरेक्शन होता है, और फीमेल क्या होता है, वेरिएबल इफेक्ट्स डिपेंड ऑन स्टेज ऑफ साइकिल्स पे डिपेंड करता है, अलग अलग स्टेज पे। ओके, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन 48, 48 पढ़िए, करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इनमें से कौन सा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जांपल है, राइट आंसर बताइए और टिक करिए। पहला करा एस्टिल कोलिन, बी करा कैटाकोलिन, सी करा सेरोटोनिन, डी करा ऑल ऑफ दिस। क्या होगा, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर में से कौन, जो न्यूरो जो एक्साइटेटरी तरह वर्क करते हैं, एस्टिल कोलिन भी हमारा होता है, कैटाकोलिन भी होता है, सेरोटोनिन भी होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पढ़िए, करो, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इनमें से कौन सा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जांपल है, आप लोगों को बताना, इनहिबिटरी जो इनहिबिट करे फंक्शंस को। पहला ऑप्शन है ग्लाइसिन करा, बी वाला करा गाबा, सी करा बोथएनबी, डी करा हिस्टामिन। तो आप लोग बताइए इनमें से क्या हो जाएगा, हिस्टामिन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, हिस्टामिन हमारा एक्साइटरी होता है, तो बचा क्या, ग्लाइसिन और गाबा, ग्लाइसिन गाबा दोनों हमारे हो जाएगा इनहिबिटरी की तरह वर्क करते हैं। 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, टिक कर लीजिए, सी वाला राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, करा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग न्यूरॉन्स आर क्लासिफाइड, न्यूरॉन को किस किस पार्ट में क्लासिफाई किया गया, तो बताइए स्ट्रक्चर के बेसिस पे, पहला करा यूनिपोलर, बी करा बाईपोलर, सी करा मल्टीपोलर। याद होगा जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारे न्यूरॉन्स को यूनिपोलर न्यूरॉन भी बांटा गया, बाइपोलर भी कहते हैं, और मल्टीपोलर भी बांटा गया। इन तीनों के बारे में हम लोग आगे देख लेंगे। 50 का राइट आंसर, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इन तीनों पार्ट में स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बांटा गया, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, यूनिपोलर में क्या खासियत होती है, इसमें डेंड्राइट जीरो होता है, लेकिन एक्जॉन होता है, एक्जॉन सब में एक ही कॉमन रहेगा। ओके, जो वेरिएबल वेरिएबिलिटी आएगी वो डेंड्राइट के लिए आएगी। यूनिपोलर में जीरो डेंड्राइट रहते हैं, बाइपोलर में एक डेंड्राइट आ जाता है, मल्टीपोलर में बहुत सारे डेंड्राइट आ जाते हैं। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल कहाँ पाया जाता है, यूनिपोलर हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है, बाइपोलर हमारा रेटिना पाई में पाया जाता है, और जो मल्टीपोलर होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाया जाता है। इस तरीके से हमारे टॉप मोस्ट 50 एमसीक्यू को डिस्कस हो चुके हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। पीडीएफ लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोगों को अपने एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।